गुरुशाला मदरसा गुरुद्वारा हर जगह पे है, और संविधान अधिकार देता है, संविधान से बड़ा कोई सबको संविधान अधिकार दिया अपने धर्म के रखने के लिए, उनको भी अधिकार है, सबको अधिकार है, बंद करने का क्या मसला है भाई। हेमंत विश्वकर्मा जो थे अभी कुछ दिन पहले उनपे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता था, अब पता नहीं कौन सी मशीन आती है भाजपा में कि सब बेफिक्र होके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। भाजपा की बेशर्मी है ना ये, अजान मुद्दा ले आती है, नमाज का मुद्दा ले आती है, धर्म का मुद्दा ले आती है, अरे हनुमान जी की फोटो लगा के किस तरह से प्रदर्शन करवाती है। भाजपा है, नमूने हैं, जोकर हैं, जो मन में आया कह दो, ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना तमीज है, 60 रुपए पेंशन में जिंदगी काटने वाले के औलादे हैं ये। बाबा लोग पर्चा काटते हैं नेताओं का, कौन चुनाव जीतेगा बाबा बताएंगे, तो जनता का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो। हेमंत विश्व शर्मा भाजपा नेता, वो कह रहे हैं 5,000 जो मदरसे जो है बंद हो गए हैं, पूरे देश के मदरसे बंद करने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हेमंत विश्वकर्मा जो थे अभी कुछ दिन पहले उनपे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता था, अब पता नहीं कौन सी मशीन आती है भाजपा में कि सब बेफिक्र होके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अभी देखिए कई तरह से पब्लिक को डाइवर्ट करने का, मतलब विभाजित करने का प्लान है। धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालते हैं, प्रधानमंत्री माइक म्यूट करवाते हैं, 200 सांसदों को कैद कर दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, और सब भी ऑल इज वेल इंडिया कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री वही है ना जो चाइना में जाके कोरिया में जाके कहते थे कि 2014 से पहले शर्म आती थी हम लोगों को, कैसे हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। तो उनसे पूछना चाहिए था कि अटल जी ने जो हवाई यात्रा की, जो देश में इतना बड़ा बजट दिखाया, उसको क्या उनको शर्माना चाहिए था? तो भाजपा है, नमूने हैं, जोकर हैं, जो मन में आया कह दो, ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना तमीज है, 60 रुपए पेंशन में जिंदगी काटने वाले के औलादे हैं ये, तो इनको क्या समझ में आएगा? स्कूल में पढ़िए ना, मदरसे में क्या पढ़िए? हमारे कहने का मतलब ये है कि गुरुशाला मदरसा गुरुद्वारा हर जगह पे है, और संविधान अधिकार देता है, संविधान से बड़ा कोई सबको संविधान अधिकार दिया अपने धर्म के रखने के लिए, उनको भी अधिकार है, सबको अधिकार है, बंद करने का क्या मसला है भाई। और अगर कोई चीज़ जांच होगी, पर आप जांच भी तो वही होती है, अभी हमारे यूपी में ही देखा हमने, पीलीभीत में एक सरदार भाई जा रहे थे होली में, उनके साथ भी मजाक किया गया, उनकी पगड़ी आज हटा दी गई। ये यही उत्तर प्रदेश है ना, मेरे पैदा होने से लेके अब तक इलाहाबाद प्रयागराज में आज तक होली के दिन में दारू की दुकान नहीं खुली, इस बार वो भी 2 बजे के बाद खोल दी गई थी। ये संत की सरकार में मधुशाला बांटा जा रहा है। अब कहेंगे कि हम पाक साफ हैं, प्रधानमंत्री जी हमें एक चीज बताएं, क्या रोजगार का मुद्दा वो भूल गए हैं? क्या को और जितने मुद्दे वो लेके आए थे, हमने 14 के पहले शेर देखा था, दहाड़ा करता था, हर समस्या का उनके पास सलूशन हुआ करता था, आज विपक्ष को कैद करना, हम जैसे लोग जब अब सांसद विधायक नहीं बोल पा रहे हैं, कल को हमारी भी हत्या करा दो भाई, जब सांसद विधायक ही नहीं बोल पाएगा, उन्हीं का माइक म्यूट कर दिया जाएगा, कहते हो जवाब दो और शेर का जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे कह रहे राहुल जी बदनाम कर रहे हैं जाके विदेश में, क्या तो मोदी जी ने क्या नाम रोशन किया था क्या कि हम हिंदुस्तान में पैदा होकर मुझे शर्म आती है? मोदी जी नाम रोशन किए हैं क्या? अगर लोग तवार, पहली बात तो बयान देखिए, लोकतंत्र के परिपेक्ष में बयान था और उसका माने निकालना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना अनबूझ नगरी और अनबूझ राजा, उनको कुछ पता होता तो है नहीं, घुमाए जा रहे हैं पब्लिक को। डंका तो बज रहा है किसका, किसका डंका बज रहा है? वही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर डंका फूट गया था अडानी का, अडानी पे तो एक चुप्पी है उनकी, जब विपक्ष जांच की मांग कर रहा है तो जांच नहीं कराएंगे, तो आप समझिए इस चीज को, ये कैसा बढ़िया रंगमंच तैयार किया जा रहा है। बाबा लोग पर्चा काटते हैं नेताओं का, कौन चुनाव जीतेगा बाबा बताएंगे, तो जनता का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो। जब ऐसे बाबा ही बता देंगे कि चुनाव कौन जीतेगा, कौन नेता बनेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। बात बताइए, आप एक बाबा हैं, उसके विरोध करते हैं, इतने बड़े बाबा जो सबसे बड़े बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भाजपा के सपोर्ट कर भाई, देखो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं, संवैधानिक राष्ट्र, जो संविधान द्वारा बनाया गया राष्ट्र है। और एक चीज तुमको और बता दे, मदरसा वाली बात तो नहीं होगी ना, फिर मदरसा ही खत्म हो जाएगा जो आप लोग हिंदू मुसलमान का जो है लालीपॉप लेना बंद कर दो। ये मीडिया जो लालीपॉप लेके घूम रही है ना, हिंदू मुसलमान बंद करो बेशर्मी।
जाओ प्रधानमंत्री से पूछ के आओ, पूछ के आओ प्रधानमंत्री से कि गैस का दाम क्यों बढ़ गया, होली में दाम क्यों बढ़ाए गए, 2 रुपए कम करते 50 रुपए किसी ने बढ़ा देते हो, बदतमीजी करने आते हो क्या यहाँ पे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, अरे भूख तो हर को लगती है ना, महंगाई सबको लगती है ना, बेरोजगार तो हर युवा है ना, क्या मजाक है, बेरोजगार है, रोडों पे कोई है ही नहीं सड़कों, अच्छा रोडों पे कोई है ही नहीं है, अभी उत्तराखंड में तुम चच्चा मार खाने गए थे क्या, चच्चा मार खाए हैं उत्तराखंड में क्या, और जगह जहाँ भर्ती हो रही वहाँ तुम्हारे चच्चा मार खाने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए पंडित जी, हिंदू राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए, बदतमीजी करना बंद करो, आपकी बार हवा हवा नहीं है, भाजपा की बौखलाहट है, उनका ये 2000 पुलिस 2 सांसद भी ये दिखाती है कि उनके पास सिर्फ ताकत है, सिर्फ ताकत, वो भी डाउन करने की, अब हमारे पास आत्मबल है, हम तो जीत ही रहे हैं इस बार सरकार में बनने के लिए, और इसीलिए परेशान हो रहे हैं, कहीं नहीं है वो तो आप लोगों के चश्मे में हम लोग दिखेंगे ही नहीं, आप लोगों को प्रधानमंत्री जी का मोदी दिखता है, और तो कुछ दिखेगा है नहीं, उसका बज रहा तो वही दिखेगा, डंका तो आप ही लोगों का बजा रहे हैं ना, डंका बजा रहे हैं आप लोग, तो यूपी में दारू बिकवा रहे हो होली के त्योहारों के दिन में, सरकार अंजाम लगा रहे हैं, बारे जाइए पता करवा लीजिए प्रयागराज में, प्रयागराज में ही था पता करो, इसीलिए आप पे इल्जाम लगाता है कि, अरे आप लोग आप लोग इल्जाम ही लगा सकते हो, मुल्ला के बेस में, मतलब भगवा के बेस में मुल्ला, तो वसीम रिजवी कौन था, कौन था? अरे हिंदू मुसलमान मत करो, जब तुम्हारे यही चीज भाजपा करती है और यही तुम जैसे 2 कौड़ी के दलाल पत्रकार करते हो, जैसे ही मुद्दा तो भाई मुद्दा युवा का बेरोजगारी भ्रष्टाचार का होना चाहिए ना, मैं चलो मैं अपनी बात शब्दों को तुम्हारे लिए माफी मांगता हूँ, नहीं हो तुम दलाल तो तुम आओ ना बेरोजगारी में बात करने, आओ महंगाई में बात करो, अरे जाओ कौन कौन तुम, नहीं तुम निकलना देखने कहाँ जा रहे हो, जब तुम कहीं जाओगे ईडी सीबीआई छापा मारती है कांग्रेस पे, कांग्रेस सड़कों पे आ जाती है, ईडी सीबीआई छापा मार है, हाँ ईडी सीबीआई छावा मारती है, लेकिन जब जो विश्व शर्मा पे छापा क्यों नहीं मारती, जो भाजपा में चला गया है पैर पकड़ लिया उस पे छापा क्यों नहीं पड़ता, वो क्या मराई खा लेते हैं, कौन तुम सर्टिफिकेट देने आए हो क्या, कितना पैसा मिला भाजपा ने ये कहने के लिए हमको जवाब देने के लिए कि वो राष्ट्रवादी है बेशर्मो, कितना पैसा लिया भाजपा से, जो देख मैं रुको ए पत्रकार तुम बताओ, जो भाजपा में गया जुल्म करके रेप करके वो राष्ट्रवादी, इतना कहने के लिए भाजपा ने तुम्हें कितना पैसा दिया, 824 वाले को कितना पैसा मिला है, जो इतने भी भ्रष्ट नेता भाजपा में जाते हैं उनको वो राष्ट्रवादी कहता है, कितना पैसा मिला बताओ, जल्दी बताओ कितना पैसा लिया तुमको, अरे दलाल थोड़ी है बताएंगे, अब फिर कैसे फिर कैसे राष्ट्रवादी कह दिया, इसका मतलब कि जो भाजपा के नमूने कहते हैं वो मीडिया सुन के हमको बताती है, ये नमूनागिरी नहीं चलने वाली, ये नमूनागिरी नहीं चलने वाली, बंद करो बंद करो, नहीं ये टाम नाम अपना हटाओ, मदरसा वाली जिस दिन पब्लिक देखो पब्लिक समझ रही है ना, तभी तुम लोग आके हिंदू मदरसा मुस्लिम मदरसा भाजपा सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के पर्चर पे बात की है, अच्छा सुनिए कांग्रेस नहीं करती है ना, मदरसा संविधान में रहना मदरसा में पढ़ना संविधान में है कि नहीं, बिल्कुल है, उसके सामने मतलब उसके खिलाफ अभी जो बयान आया तो उस पे कांग्रेस क्यों नहीं आती सड़कों पे, राहुल गांधी क्यों नहीं आते, देखिए सभी मुद्दों में बात चर्चा चल रही है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रताप गढ़ी जी है उनके पास ही मैटर है, 2 से 3 बजे भी आएंगे चर्चा करेंगे, बड़ा गरम मत खाया करो, गरम गरम मत खाया करो, ये भाजपा नहीं है कि हम लाठी अंडे की बात करेंगे, हम लोगों से बात करके और जो गलत होगा उसका विरोध भी होगा और सजा कराने की मांग भी की जाती है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का खेल नहीं चलता है, अच्छा पंडित जी चुनाव आते ही अजान का मुद्दा भी आ जाता है, अरे तो भाजपा की बेशर्मी है ना, ये अजान मुद्दा ले आती है, नमाज का मुद्दा ले आती है, धर्म का मुद्दा ले आती है, अरे हनुमान जी की फोटो लगा के किस तरह से प्रदर्शन करवाती है भाजपा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ये देश हिंदू मुसलमान से ईसाई हर एक धर्मों का है और उसी देश चलेगा, हमने बार बार इस चीज़ को कहा था, धन्यवाद।